ये बात तो ज़्यादातर सब लोग जानते होंगे कि मुस्लिम जीसस को मानते हैं और उनका आदर करते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इस्लाम में एक्चुअली जीसस की अहमियत कितनी है। तो शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। मुस्लिम्स की पाक किताब कुरान ये जाहिर करती है कि जीसस यानी ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के नबी थे और वह अल्लाह के दिखाए रास्तों को हम तक पहुंचाने आए थे, सेम वैसे ही जैसे हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे। और कुरान जीसस और मोहम्मद दोनों को अल्लाह का पैगंबर बताती है। तो मुस्लिम्स जितना बिलीव मोहम्मद में करते हैं उतना ही बिलीव वह ईसा अलैहि सलाम यानी जीसस में भी करते हैं। ये बात आप लोगों को शायद से ही मालूम होगी कि कुरान में पैगंबर मोहम्मद से ज्यादा जिक्र पैगंबर ईसा अलैहि सलाम का है यानी जीसस का है। कुरान पाक ने 25 बार जीसस का नाम लेके जिक्र किया है और वहीं पर कुरान पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ 5 बार जिक्र किया है। यानी इससे आप समझ गए होंगे कि ईसा अलैहि सलाम का क्या मर्तबा रहा है इस्लाम धर्म में। कुरान में सिर्फ एक औरत को नाम से मेंशन किया गया है और वो है मरियम यानी मदर मैरी, जीसस की माँ। कुरान में उनके अलावा किसी और औरत का जिक्र नाम लेके नहीं किया गया, ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का या उनकी वाइफ का, ना ही किसी और औरत का। और आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि कुरान में मदर मैरी यानी मरियम का जिक्र सिर्फ एक या दो बार नहीं पूरे 32 बार किया गया है। आप में से ज्यादातर लोग ये तो जानते ही होंगे कि ईसा अलैहि सलाम यानी जीसस मोहम्मद से 600 साल पहले आ चुके थे और उन्होंने जो किताब नाजिल की वो है बाइबल, क्रिश्चियन की होली बुक। लेकिन ये बात आपको शायद ही मालूम होगी कि कुरान में बाइबल से ज्यादा ईसा अलैहि सलाम यानी जीसस को डिस्क्राइब किया गया है। कुरान में ऐसे कई सारे वाक्य बताए गए हैं जो कि बाइबल में नहीं बताए गए, जैसे कि मुर्दों में जान डालना, पंछियों को जिंदा करना, जानवरों को ठीक करना, इसी तरह कई सारे और वाक्यात भी हैं। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि कुरान, मुसलमान और इस्लाम जीसस को किस नज़रिए से देखता है और उनको क्या मानता है। आशा करता हूँ कि ये चारों पॉइंट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।